सरकारी घोषित किया जाए और इन्होंने सिर्फ आप एनसीटीवी ही पढ़ाया है, तो इसमें आपका आशा को हटा देंगे, तो आपको धमकी देने का आप इन बातों को माना है? सर नहीं माना, भी नहीं हमने एक तरीके से कि जिन्होंने हमारी मांगों को अभी आप एक सरकारी का बात कर रहे थे कि हम यहाँ दिल्ली सरकार को कोस रहे थे, तो आपका जो इंस्टीट्यूट पे ही आपने अपनी बातों को मान लिया गया है? सर वो तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए हम पूरे दिन घर से बाहर रह के मेहनत करते हैं, अपने बच्चे छोड़ते हैं, अगर हमारे बच्चे अनएजुकेटेड रह जाएंगे, जो हम समाज को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं, माताओं के लिए कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को हम नहीं देख पा रहे, वो ही ऐसे रह जाएंगे, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? हम तो सेवा ही करते रह जाएंगे। सेवा के ही लिए तो आपको इसमें आशा वर्कर के लिए रखा था? सेवा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो फिर कुछ होना चाहिए, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे लिए कौन करेगा? हम तो सबके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कौन करेगा? अपने बच्चों को बीमारी में भी छोड़ के जाते हैं, किसी का कॉल आता है तो उसी टाइम याद पड़ा हुआ है। ठीक है, हम आके रुके हैं
महीने की पड़ाव है और सरकार ने हमें 6 महीने का टाइम दिया है। 6 महीने तक अगर हम कुछ नहीं करते तो आप फिर धरने पे आ सकते हो। लेकिन मैडम आज जब आप यहाँ धरने पे थी तो आपकी एक मांग थी कि हमें सरकारी घोषित किया जाए, हमें इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, हमें तो तनख्वाह चाहिए, तो क्या मजबूरी आई आपके सामने कि आपने इंस्टीट्यूट को ही मान लिया? सर सरकार ने हमें बोला है कि हमारे पास अभी बजट नहीं है और इससे ज़्यादा हम आपके लिए कर नहीं सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि 6 महीने का हमें टाइम दो, हम 6 महीने बाद इस बारे में हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे, तो हम जरूर सोचेंगे आपके लिए और जरूर करेंगे। मतलब क्या आप ही सोच रहे 6 महीने का और 7 महीने का जो टाइम दिया गया है ये राजनीति मसला नहीं है क्योंकि 2018 के अंदर चुनाव घोषित हो जाएगा? सर चुनावी मसला तो जरूर है लेकिन सरकार से अपनी मांग मनवाना भी तो इतना आसान नहीं है। ये हमारा एक पड़ाव है, यहाँ पे जब आके हम थोड़ी सी हमें आर्थिक मदद भी मिलेगी तो हमें आगे लड़ने के लिए थोड़ा टाइम हमें भी मिले, हम भी अपने दोबारा से जोड़ सकें। आपका नाम क्या है? निर्मला।